हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे थार में कुछ मॉडिफिकेशंस। ये है गरवारी की सन कंट्रोल फिल्म ग्लेज। ये बेसिकली साइड डोर में आएगी और इसकी MRP लगभग 3000 रुपीज़ है और ये 32% तक हीट रिजेक्ट करेगी और 99% यूवी रिजेक्शन। और ये है गरवारी की सन कंट्रोल फिल्म फ्रंटी और ये लगेगी फ्रंट विंडशील्ड पे। इसकी भी MRP लगभग 2700 रुपीज़ है। और 25% रिजेक्शन, 70% विजिबिलिटी और 99% UV। बेसिकली नाइट ड्राइविंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है क्योंकि सामने वाला जब भी हाई बीम में चलता है तो हमें खासी दिक्कत आती है, तो ये मैक्सिमम विजिबिलिटी करेगा। और ये है सोनी का एक्टिव सबवूफर, ये 160 वैट प्रोड्यूस करता है। इसकी भी MRP लगभग 20,000 रुपीज़ है। थार में स्पेस का तो बहुत ही इशू है, इसमें हम बड़ा वूफर नहीं लगा सकते क्योंकि जगह ही नहीं है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है थार के लिए। एम्पलीफायर और वूफर दोनों इंक्लूड है इसी में और ज़्यादा कुछ वायरिंग का भी इशू नहीं है और इसका वेट भी काफ़ी हल्का है। और ये आएगा इसका बास कंट्रोलर, ये आगे फिट हो जाएगा। अभी देखते हैं यहाँ कैसे फिट करेंगे। और ये अभी फिल्म का काम शुरू हो गया है। एक्चुअली ये मेजरमेंट लेने के लिए बाहर से लगाई गई है। मेजरमेंट लेने के बाद ये अंदर से फिट हो जाएगी ताकि इसमें कोई भी पॉइंट्स न रहे। और अब सामने से आप देख सकते हैं कि गाड़ी में फिल्म लगी हुई है और ये दोनों फिल्म जो है वो RTO अप्रूव्ड है, इसलिए कोई भी लीगल इशू नहीं है। और साइड से भी ये व्यू आता है। और ये जो फ्रंट ग्लास है अंदर का, हालांकि आपको अंदर से समझ में भी नहीं आएगा कि इसमें हमने फिल्म लगाई है। एक्चुअली हीट रिजेक्शन का भी काम बहुत अच्छे से करती है और नाइट विजन में भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। और ये बहुत एक्यूरेसी का काम है क्योंकि ये फ्रंट विंडशील्ड है और ये हमने हमारा जो बास कंट्रोल है वो यहाँ पर लगवाया है। अगर कोई बुज़ुर्ग आदमी गाड़ी में है, हमारे साथ है, या कभी हमारी भी अगर इच्छा होती है कि अरे यार बास नहीं सुनना है, तो हम इससे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो एक्टिव वूफर है यहाँ पे लगवाया है और ये बहुत पोर्टेबल है और साथ ही साथ स्टोरेज भी बहुत बचाता है। दिखने में काफ़ी छोटा है लेकिन इसका वज़न काफ़ी हेवी है क्योंकि इसमें इंक्लूडिंग एम्पलीफायर और ऊपर दोनों ही है स्पीकर और इसकी कुछ वायरिंग। और इसको सिर्फ दो ही पिन्स आते हैं, अगर वो हमने रिमूव कर दिए तो ऊपर निकाल के हम घर पे भी रख सकते हैं जब भी हम कुछ लॉन्ग टूर पे या फिर ऐसे कहीं जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे हमें लगेज स्पेस चाहिए, तो ये हम निकाल सकते हैं। पर अंदर से सुनिए अभी इसका साउंड क्वालिटी। गाड़ी में ऑलरेडी कंपोनेंट स्पीकर लगाए हुए हैं और यहाँ से हम ऐसे बास कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली थार में जो स्पीकर्स है उनको बहुत कम जगह है,
नॉर्मली भी जो कंपनी फिटेड स्पीकर्स आते हैं उनमें भी इतनी बढ़िया साउंड क्वालिटी नहीं मिलती है, इसीलिए हमें स्पीकर जो है वो चेंज करवाने पड़ते हैं। लेकिन अभी सारी चीज़ें कहाँ एक ही जगह पे मिल जाएगी, तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट तो करना ही है। बेसिकली जो साउंड लवर है उनके लिए वूफर नेसेसरी होता है, जैसे मेरे हर गाड़ी में वूफर आज तक कंपलसरी रहा है, इसमें भी होना चाहिए था, लेकिन जगह की कमी के होने के कारण मुझे छोटा वाला एक्टिव वूफर ही लगवाना पड़ा, लेकिन फिर भी अच्छा। आई होप आपको ये मॉडिफिकेशंस अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही कुछ नए अनोखे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।